नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पारस मनी ब्लॉग में। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप भी Uber में अपनी कैब को लगा रखे हैं, आपके पास भी Uber का ऑर्डर नहीं आता है, राइड नहीं आ पा रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसके कारण आपको घंटों भर इंतज़ार करना पड़ता है बुकिंग के लिए, जिससे आपकी कमाई कम हो जाती है, आप निराश और परेशान हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो तीन पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं, उसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी राइड में कुछ इजाफा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं Uber ड्राइवर के ऐप पे। और Uber ड्राइवर ऐप पे आने के बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आए और इस गो वाले इस ऑप्शन पे आप टच करके डायरेक्ट जो है अपना ड्यूटी को ऑन कर लेते हैं। तो ठीक है, ड्यूटी तो गो वाले बटन पे ही दबा के ऑन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना परफॉर्मेंस चेक करते रहना है किन कारणों की वजह से आपके पास Uber का ऑर्डर बहुत कम आता है। तो मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर जो है Uber का बहुत ही ज़्यादा मिलता है। कोई बात नहीं है जो Uber का राइड कम मिलेगा आपको, क्योंकि ओला और Uber दोनों कंपटीशन में मार्केट में है, और ओला की जितनी राइड मिलती है उससे कहीं ज़्यादा Uber की मिलती है। इसलिए क्योंकि Uber का फेयर कुछ कम रहता है ओला की अपेक्षा, तो इसलिए आपको अपने जो है पहले रेटिंग में सुधार करना होगा। और आप अपने रेटिंग को कैसे चेक करेंगे पर डे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इस थ्री डॉट पे आ जाना है, इस थ्री डॉट पे यहाँ पे आ जाना है आपको। यहाँ आने के बाद इसे टच कर लेना है, टच करने के बाद आपको ये प्रोफाइल वाला जो आइकन दिखेगा इस पे आपको टच कर लेना है। टच कर लिए, टच करने के बाद जो है आपको सबसे पहले आपको जो है रेटिंग चेक कर लेना है, आपकी रेटिंग कितनी है। तो अभी जो है हमारी रेटिंग है वो 4.84 है, तो मैं इस पर टच कर लेता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे पिछले 500 राइड की जो है वो कैलकुलेशन करती है Uber कंपनी। तो 5 स्टार रेटिंग जो है हमारा 364 है, 4 स्टार 13 है, 3 स्टार 6 है, 2 स्टार 2 है और 1 स्टार 8 है। इसको हम बैक करके पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको टच कर लेना है। तो यहाँ टच कर लिए, यहाँ टच करने के बाद मैं आपको इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो मैं इस पर टच कर लेता हूँ, टच करने के बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैंसिल करने की दर यही सबसे ज़्यादा मान्य रखता है मेरे भाई। मैं अपना ये 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ Uber में, अगर इसे आप मेंटेन रख लिए, इसे आप अगर मैनेज कर लिए, तो आपके पास फिर बुकिंग की कमी नहीं रहेगी, आपके पास बुकिंग बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसको आपको फॉलो करना है, कम से कम 8-10 दिन तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं है आप एक दिन किए और दूसरा दिन से आप रिज़ल्ट ढूंढिएगा तो आपको मिलना मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे ये 6 मार्च से टोटल आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, एक महीने का स्वीकार की गई ट्रिप। हमारे पास टोटल जो है 77 ट्रिप की प्राप्ति हुई, जिसमें से मैंने पूरी की गई ट्रिप 74 ट्रिप को मैंने कंप्लीट किया और कैंसिल मात्र 3 राइड किया हूँ, जिसके कारण जो है हमारी कैंसिलेशन रेट जो है मात्र 4% है। अगर आपका 10% से नीचे रहता है Uber में कैंसिलेशन रेट, आपको बुकिंग मिलने का बहुत ही जल्दी संभावना रहता है। जैसे ही आप ड्यूटी ऑन करेंगे, अगर ऑर्डर रहेगा Uber के पास, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भाई इतना जान लो, किसी भी सेक्टर में कहीं भी आपको काम करना है, आपकी काम ही आपकी पहचान है। अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं, ढंग से काम करते हैं, तो कंपनी आपको जो है ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा काम देगी, वर्क देगी। नहीं बंदा बढ़िया कर रहा है, तो इसीलिए आप अपने रेटिंग को मेंटेन रखें और रेटिंग को चेक करते रहें, कम से कम कैंसिल करें। कैंसिल करने की दर की गणना कैसे की जाती है, मैं इस पर आपको टच करके दिखा देता हूँ। आप कैंसिलेशन शुल्क इस बात पर आधारित होता है कि आपने पिछले 30 दिनों में कुल कितनी ट्रिप स्वीकार की, लेकिन फिर कितनी कैंसिल कर दी। अगर आपको पिकअप करने में सुरक्षा से जुड़ी चिंता है, यात्री नहीं आता है, तो आपकी दर में बदलाव नहीं होगा। कैंसिल करने की दर क्यों मायने रखती है, कैंसिल करने की दर क्यों मायने रखती है,
तो कैंसिल करने की दर कम होने का मतलब ग्राहक को ट्रिप के लिए कम समय का प्रतीक्षा करना होगा और सभी ड्राइवर पार्टनर को भी जल्दी जल्दी पिकअप मिलेंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रिप और कमाई करने में खर्च होंगे। तो मैं आपको यही बताया हूँ, जो आपको इस कैंसिलेशन को जितना कम हो सके उतना कम पे रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उबर में राइड ले सके, ट्रिप ले सके और आप अपनी कमाई को बढ़ा सके। 5-स्टार रेटिंग कस्टमर से लेना है, किसी भी तरह से आपको 5-स्टार रेटिंग लेना है। 5-स्टार रेटिंग लेने के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 3 पॉइंट को आप कवर अगर कर लेते हैं तो आपको 5-स्टार रेटिंग में कोई कमी नहीं मिलेगी। सबसे पहला, अगर आप जब भी ड्यूटी ऑन करते हैं अपनी गाड़ी को चेक कर लें, प्रॉपर तेल, एयर, कार की साफ सफाई सारा कुछ अपना मेंटेन रखें, टाइम पे जो पिकअप पॉइंट है, ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ आप अपना टाइम टू टाइम छोड़े अपने ग्राहक को, कम से कम कस्टमर के साथ बात करें, जब तक आपसे कस्टमर बात करना शुरू न करे तब तक आप कस्टमर से ज़्यादा बात मत करें, अपने काम से काम रखें। ज़्यादा जो है आप कस्टमर को अगर परेशान करेंगे तो वो आपको जो है फीडबैक रेटिंग में गलत दे देगा, इसीलिए आप अपने रेटिंग को जो है मेंटेन रखें और आप अपनी कमाई में जो है इजाफा करें। अगर आप रेटिंग को मेंटेन रखते हैं तो आपको आने वाले समय में आपको बुकिंग बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। आप इसे एक बार फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।